भाग्य जायसवाल, मेरे YouTube चैनल इलर्निंग ब्रिजेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने यूपीटेट सीटेट सुपरटेट की एक अध्यापक विजयरत नाम से मैंने कोर्स शुरू किया है। इसका मेरा प्रमुख उद्देश्य ऐसा था कि जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी जो है जब समय आता तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जब समय आने पर तैयारी करना प्रारंभ करते हैं उससे बहुत सारे अभ्यर्थी पहले से पढ़ रहे होते हैं, उसमें समस्या होती है सेमेस्टर पढ़ना, फिर यूपीटेट पास करना, सुपरटेट पास करना, उसमें अंतराल कम होता है। अभी 69,000 भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगली भर्ती में आपको सम्मिलित होना है तो आपको अभी से लगातार पढ़ना होगा। और आप जानते हैं ज्ञान का अर्जन जो है वो अपने बड़ा होगा, वो कहीं भी कभी भी किसी भी तरह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आप लोग लगातार आप पढ़ते रहिए जुड़कर। इसलिए मैंने पूरा यूपीटेट सीटेट सुपरटेट का एक कम्बाइंड क्लास शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट यूपीटेट सुपरटेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सभी में एक, अगर सभी में एक कॉमन चीज़ है, अगर उसी को एक अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो अगर वो यूपीटेट आएगा उतनी चीज़ें में नहीं पढ़नी रहेंगी, और सीटेट आएगा और सुपरटेट आएगा उतनी चीज़ें में नहीं पढ़ेंगी। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, हो सकता है यह मेरा जो विचार है आपको भी पसंद आए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सीटेट का सारे टॉपिक मिलाकर, पूरे ऐसे टॉपिक है जिनको मिलाकर टोटल 30 मार्क आपके ऐसे होते हैं जो आपको यूपी टेट में भी कहते हैं। थोड़ा सा हम डार्क लिखे क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आप ब्लैक लिखते हैं। तो जैसा कि टोटल हम मानते हैं मान लीजिए 30 मार्क, 30 नंबर के ऐसे हैं जो 30 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको यूपी टेट में पढ़ने बाद यूपी टेट में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब यूपी टेट की बात करेंगे तो हम यूपी टेट का अगर 150 नंबर का पेपर है तो -30 नंबर माने हमें कितना पढ़ना रहेगा, 120 मार्क ही केवल पढ़ने रहेंगे। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई यूपी टेट की तैयारी करना चाहेगा, पूरा सिलेबस कवर करेगा 150 नंबर का, और आपको सिलेबस कवर करना कितने का, मात्र 120 का, तो कहीं ना कहीं आप 30 नंबर पहले से लीड लेकर चलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार आप पढ़ चुके रहेंगे, दोबारा पढ़ते समय वो सारी चीज़ें आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सामने से गुजर रही। फिर आते हैं इसी के जस्ट बाद अगर सुपरटेट की बात करते हैं तो यूपी टेट और सीटेट को अगर दोनों मिलाकर आप हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं तो मुझे ये पता हो जाएगा कि सीटेट और यूपी टेट में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐसी पढ़ाई है जो सुपरटेट में भी है। तो इससे आपको ये फायदा होगा, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई थी। अगर यूपी टेट सीटेट सुपर टेट को मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 80 नंबर आपके ऐसे हैं जो आप सुपर टेट में पहले से तैयार है आपके पास। कहने का मतलब यह है 80 नंबर आप पहले से तैयार करके रखे हैं, जिसमें से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों में आपने पढ़ लिया है पहले। अगर हिंदी की बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, तो अगर लैंग्वेज की बात करते हैं हम तो देखिए यहाँ भी 30 का पढ़ते हैं नंबर का, 30 नंबर का यहाँ पढ़ते हैं, और लिखित की बात करते हैं तो दोनों मिलाकर लिखित में 20 नंबर का ये हमें लैंग्वेज मिल जाता है, भाषा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि 20 नंबर आपको पढ़ना नहीं है, केवल क्या करें रिविजन करना है, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब लैंग्वेज संस्कृत की बात करते हैं चाहे अंग्रेजी की बात करेंगे, फिर वो भी आप यहाँ पे और यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 10 नंबर का वो भी जुड़ जाएगा। मतलब 30 नंबर आप पहले से ही प्लस में, कैसे, भाषा से अंग्रेजी रखे तो अंग्रेजी और संस्कृत रखे संस्कृत, क्योंकि दो लैंग्वेज तो रहेगा ही टेट में और सीटेट में, तो 30 नंबर आपका पहले से तैयार है। मतलब देखते रहिए आपको भी कितना कम पढ़ना है। फिर और आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगर हम तो अब हम देखते हैं, अब ये तो केवल दो लैंग्वेज की बात हमने कर लिया, 30 नंबर आपके इसमें तैयार है सुपर टेट के लिए केवल यूपी टेट और सीटेट तैयार करके। अब आते हैं एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट यहाँ पे 30 मार्क्स के हैं, यहाँ भी 30 के, यहाँ भी 30 के, और दोनों के एनवायरमेंट मिला के 10 नंबर के एनवायरमेंट आपको लिखित परीक्षा में भी मिल जाते हैं। मिलाकर आपने देखा भी होगा सिलेबस, 10 नंबर यहाँ भी और ऐड कर लिया हमने, 10 नंबर और ऐड कर लिया, तो टोटल 40 मार्क्स आपके हो गए अभी तक। फिर आते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में भी दो या तीन चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो जितना यूपी टेट में सेम सी टेट सुपर टेट में सिलेबस में दिया गया है। कहने का मतलब वहाँ पे भी ये है कि हम क्या कर सकते हैं, अब 20 नंबर की गणित में आपका तैयार है, केवल रिवीजन करना है, क्योंकि आप गणित दो बार पढ़ चुके हैं यूपी टेट में सी टेट में, और सुपर टेट में भी आप एक बार पढ़ा देंगे। सोचिएगा आपका ज्ञान कितना मजबूत होगा, कितना बेहतर तरीके से तैयार होगा। तो आपका कितना हो गया, 20 10 30 10 40 20
60 नंबर के हो गए। और आते हैं अब बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास 30 नंबर के यूपीटेट में और 90 नंबर के प्रत्यक्ष शिक्षण मिलाकर सीटेट में है। तो 90 नंबर 30 नंबर का जब पढ़ लेंगे तो कुछ चीज़ें अगर और थोड़ी सी पढ़ा दी जाए तो 30 मार्क्स आपके ये भी कंप्लीट है। ये ऐसे मार्क्स हैं, ये ऐसे आपके नंबर जो कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। मैं आपको दिखा रहा हूं, भी थोड़ा सा अपडेट हो गया है। तो हमने देखा कि आप 80 से 90 नंबर ऐसे हैं जो पुराना पढ़ा हुआ है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं क्या क्या हमने पहले से पढ़ा था जो सुपर टेट के लिए हमें वो लीड का काम करेगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देते हैं। और जैसे देखिए अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी में कितने मार्क्स? 20 नंबर। 20 नंबर कैसे भैया? आपने यूपी टेट में सी टेट में हिंदी पढ़ा है और सी टेट में आपको मैंने शिक्षण भी पढ़ाया है और गद्यांश पद्यांश भी पढ़ाया है। यूपी टेट में आपको व्याकरण पढ़ेंगे। दोनों पढ़ने के बाद आप क्या 20 नंबर की जब सुपर टेट पढ़ने आएगा क्या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? कभी नहीं करना पड़ेगा। रचना भी पढ़ लेंगे तो ये हो गया आपका। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे आप संस्कृत की बात करें चाहे अंग्रेजी की बात करें। ये हो गए और 10 के ये हो गए, 10 नंबर के हो गए। ठीक, आप चाहे संस्कृत या अंग्रेजी 10 नंबर आपके तैयार, क्योंकि आपने सीटेट में यूपीटेट में पढ़ा है। बात समझ रहे हैं आप ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब गणित की बात करते हैं जो सबसे सिलेक्शन के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गणित में सबसे ज्यादा समस्या होती है। गणित भी आपका 20 मार्क्स नंबर के हैं। अगर आप यूपी टेट सी टेट में मेरे द्वारा गणित पढ़ लेंगे तो सुपर टेट की गणित पढ़ते समय आपको जरा भी समस्या नहीं होगी। 3-4 अध्याय को छोड़ दें तो सेम हूबहू यूपी टेट का ही सिलेबस रखा गया है। सुपर टेट में आप गणित का सिलेबस बना के देख लीजिएगा। फिर आते हैं बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास शिक्षण मिलाकर, बाल विकास और शिक्षण मिलाकर यहाँ पे देखिए यूपी टी टी में पूरा बाल विकास पढ़ते हैं, टू द पॉइंट पढ़ते हैं। सी टेट में आप शिक्षण ही पढ़ते हैं, बाल विकास सभी सब्जेक्ट का शिक्षण पढ़ते हैं, जितने भी पांचों फैक्ट होते हैं, फिर बाल विकास पढ़ते हैं। माने 90 नंबर वहां पढ़ते हैं और 30 नंबर आप यूपीटेट में पढ़ते हैं, कितना 120। माने इतनी बार पढ़ लेंगे तो क्या ये 30 नंबर आपको पढ़ने में समस्या उत्पन्न होगी? नहीं उत्पन्न होगी। तो मैंने केवल अभी वही फैक्ट चीजें बताई हैं जो अभी इसके इतर नहीं है। पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण आप दो बार पढ़ेंगे, एक बार यूपी टेट में एक बार सी टेट में। जब दोबारा पर्यावरण पढ़ेंगे 10 नंबर के आपके पर्यावरण हो गए। माने ये ऐसे सिलेबस हैं जो आपको यूपी टेट सी टेट पढ़ने के बाद सुपर टेट में केवल आपको रिवीजन करवाना है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो आपको क्या फायदा होगा वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 30, 10, 40, 20, 60, 30, 90, 10, 100। माने 100 नंबर अंक आपका रिवीजन है। अब नया क्या तैयार करना है? या विज्ञान पढ़ने हैं 10 नंबर के, जीएस पढ़ने हैं 10 नंबर के, करंट अफेयर जीएस मिला के माने 30 नंबर के वो है, 10 नंबर के अंग्रेजी संस्कृत जो आपने नहीं लिया था वो है, 5 नंबर कंप्यूटर है, 5 नंबर का रीजनिंग है। तो इतनी चीजों को पढ़ने के लिए आपके पास क्या होगा? समय कम हो गया। अब जब जो मेरे साथ जोड़कर जो मेरे यहाँ पढ़ रहे थे उनको ये समस्या नहीं है क्योंकि मैंने यूपी टेट सी टेट में इतनी बार पढ़ा दिया है कि सुपर टेट के समय उन्हें केवल रिवीजन करना है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़कर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर किसी नए संस्था में जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको पूरा पूरा पढ़ाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं सी टेट में सी टेट पढ़ा दूंगा, यूपी टेट को आते आते मैं यूपी टेट और सुपर टेट दोनों पढ़ा दूंगा, मेरी गारंटी है। और सुपर टेट और यूपी टेट खत्म होते फिर दोबारा मैं यूपी टेट पढ़ा दूंगा। और एक ही बार आपको फीस पे करना है और तब तक पढ़ेंगे जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप भी अभ्यर्थी, हम भी अभ्यर्थी, हर अभ्यर्थी की पीड़ा होती है, हर अभ्यर्थी साथ सबसे बड़ी समस्या होती है फीस का वहन करना। अगर आपके माँ बाप 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपये लगा के आपको 2 वर्ष से प्रशिक्षण दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि आप भविष्य के भावी अध्यापक बनेंगे, एक मामूली छोटे शुल्क पर जहाँ पे मैं आपको सारी कोर्स इसकी नोट्स
पीडीएफ फॉर्मेट में सारे वीडियो लेक्चर, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन, अभी तो स्टार्टिंग है थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाता है, तो मैं सब कुछ आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है आपको अंतिम रूप से चयन करवाना, और मैं ये उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ कि ताकि मैं आपको अंतिम रूप से चयनित करा सकूँ। साथ के लिए उनके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, जैसे अभ्यर्थी जिनके घर कोचिंग से दूर है, जिनको मैथ में समस्या है, अन्य विषय समस्या है, क्योंकि मैं तब तक आपको इतनी बार ये पढ़ा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप पहली बार में अध्यापक हो जाएंगे, क्योंकि अगले अध्यापक की परीक्षा संभवतः मार्च से मई के बीच होगी, अगले अध्यापक भर्ती परीक्षा, क्योंकि अभी यूपीटेट होगा, उसके रिजल्ट आएगी, सुपर टेट की विज्ञप्ति होगी, फिर उसका फॉर्म पड़ेगा, फिर उसका एग्जाम होगा, एक लंबी प्रक्रिया भी, और उस लंबी प्रक्रिया में और हम तब पढ़ने निकलते हैं जब फॉर्म भर लेते हैं, और जानते हैं इस बार अभ्यर्थियों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और सब पढ़ते हैं, अंतिम रूप से वही चयनित होंगे जिनमें वे सबसे बेहतर होंगे, और बेहतर तब होंगे आप जब आप खुद से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो अब मुझे ये पता है, मैंने आपको गणित पढ़ाई है, देखिए मेरे द्वारा पढ़ाएंगे तो मुझे ये चीज़ें पता रहेंगी कि कैसे आपको मैंने पढ़ाया है, कैसे मैंने आपको समझाया, मैंने सी टेट में क्या पढ़ाया, अब यूपी टेट में वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, उस पर सवाल लगवाऊंगा, बेसिक पढ़ाया सी टेट में, सवाल लगवाया यूपी टेट में, और सी टेट में आप डायरेक्ट गणित के सवाल जस्ट सेकंड में बताना शुरू कर देंगे सुपर टेट के समय, क्यों, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन जीएस के सब्जेक्ट बाल विकास को, इतनी बार हम अधिगम को पढ़ लेंगे, इतनी बार शिक्षण को पढ़ लेंगे कि आपकी जुबान भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इतनी बार उसको आपको रिवीजन करवा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको एक दिन एक घंटे क्लास दूंगा, चार घंटे की दूंगा, कि दो घंटे की दूंगा, कि हम आपको 15 मिनट क्लास देंगे, कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बस आपको अंतिम रूप से चयनित करेंगे, और इस बात की भी गारंटी है आप अन्य अपने साथी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप उनसे कभी भी किसी प्रैक्टिस सेट को लेकर बैठ जाइएगा, फिर आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि आप उनसे बेहतर हैं अथवा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने डिजिटल बोर्ड लगवाया आपके लिए, ये जौनपुर जनपद की पहली डिजिटल बोर्ड है ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस, और ये मैं आपके लिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए, मेरा समय बच जाए, और मेरा एक ही छोटा सा एक सपना है कि मेरे से या मुझसे जो जुड़े वह जरूर सफल हो। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, सफलता का ये पैमाना है कि आप कितना रेगुलर, आपने खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी हुई कई बार, हमें खरगोश की चाल से नहीं भागना, हमें कछुए के साथ से अभी से अपनी रेस शुरू कर देनी, ताकि जब लिखित परीक्षा के लिए सब किताब लेकर परेशान हो कि क्या पढ़ें, तो आप सबसे गर्व के साथ कहें हमने तो पढ़ लिया, बस मुझे तो आपके साथ रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए क्या बचा पता है, सारे मैटर आपके पास, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास, कोई भी किताब आप खोलते हैं आपको लगता है ये चीज़ तो मैंने पढ़ा, बस यही तो पढ़ना है, मतलब हर चीज़ आपको लगता है कभी ना कभी आपने पढ़ा है, क्यों, क्योंकि तब तक मैं गणित कम से पूरी पूरी गणित 3 से 4 बार आपको गणित पूरा पढ़ा दिया रहेगा, पूरी से पूरी साइको 2 से 3 बार पढ़ा दी गई रहेगी, हिंदी आपको कई बार पढ़ा दिया गया रहेगा, मतलब कहने का मतलब यह है मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अंतिम रूप से चयनित कराए। खासकर इसका सबसे बड़ा लाभ जो अभी 1.5-17 बैच के हैं, या जिनका बीएड अभी प्रोसेसिंग में है, जो आगामी भर्ती परीक्षा देंगे, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप तो फ्री में पढ़ाइए, भैया फ्री में पढ़ाएंगे मेरा भी खर्च गिरता है, इस रूम का खर्च गिरता है, आपको लगभग 1 साल भी पढ़ाने हैं, 1 साल तक पढ़ाने के टीचर का खर्चा, रूम रेंट, वाईफाई खर्चा और टाइपिंग का खर्चा, ये सारे खर्च भी मैं कहाँ से वहन कर पाऊंगा। अगर आप मदद करेंगे इस बात की मेरी गारंटी है मैं आपको अंतिम रूप से अंत तक मैं चयनित करा के छोड़ूंगा, और ये बात आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, आप बेहतर कर सकते हैं, बस यही रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप अगर आप पता है आपको कुछ फ्री की मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, ऐसे आपको डेली पता है सर की 3 घंटे की 2 घंटे की 1 घंटे की डेली क्लासेज होंगी, उन क्लास को आपको तैयार करना है, हर संडे को आपको एसटी देना है, डाउट क्लियरिंग करना है, तो सभी समस्याओं का हल आपको तभी मिल पाएगा जब आप खुद से कुछ मेहनत करें, और अभी से आप पढ़ना शुरू करिए, जरूरी नहीं मुझसे जुड़कर पढ़े, आप स्वयं से पढ़िए, आप खुद अभी पता है आप महक शुक्ला 2017 के हैं, वो इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं अभी से हिंदी संस्कृत इतना फोकस, मुझे मैं सोचता हूँ बताइए इनका क्या होगा, अभी से इतना मेहनत करा तो टेट सुपर टेट कैसे मारते, डायरेक्ट मार देंगे, महक शुक्ला और दीपक सिंह राजपूत ललितपुर डायरेक्ट से 17 बैच से वो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, फिर अभिषेक तिवारी, निर्मल पाठक, ये सभी रजत जी जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष है 17 बैच के, वो इतनी मेहनत करते हैं अभी से पढ़ने में, मतलब आपके साथ धरना करना, आपके साथ सब कुछ करना, उसके बाद अपने अध्ययन अध्यापन में भी अपना समय लगाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अपने कैरियर भी प्यारी है, और वो अपनी जिंदगी का बेस्ट करते हैं, और शायद आप जानते होंगे 17 बैच की छात्राध्यक्ष कोमल जागृति पांडे, वो भी
अपना बेहतर दे रही है, मतलब आपके साथ आपका समय देने के बाद वो अपनी किताबों से लग कर ही पढ़ रही है। विकास जी भी हैं अध्यक्ष, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सभी लोग मिलकर जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे नेता ऐसे थे पीछे की जो टेट सीटेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहे थे, अब जो ऐसे हैं वो अभी से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और अपना बेहतर दे रहे हैं। इसलिए नहीं, उनको ये पता है अगर अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता से दूर होते जाएंगे, और सफलता से दूर क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। पता है अंतिम चयनित कौन होता है? जो रियल में लगातार पढ़ता है। अब ये कहानी आपको छोटी सुनाएंगे। एक अभ्यर्थी था, जब भी परीक्षा देता था तो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाता था, बहुत परेशान था। एक बार बाबा जी के पास गया, लोग पता है बाबा जी के पास जाइए वो आपको बताएंगे कैसे इसका निराकरण होगा। तो बाबा जी के पास जब पहुंचा तो बाबा जी ने कहा कल सुबह आना। जब सुबह गया तो बाबा जी उसको लेके नदी में गए। नदी में जाने के बाद उसे बीच में पड़े, उसकी गर्दन पकड़े पानी में डाल दिए, और सोचा बाबा जी आज कुछ बताएंगे मैं टाप कर जाऊंगा, मैं नौकरी मिल जाएगी। कुछ देर बीता, कुछ देर और बीता, तो लड़के से रहा नहीं गया भी आप तो मर जाएंगे, सोचा सोचा आप बाबा जी बताएं। कुछ देर और बीता, अब जब जान के मर जाएंगे थोड़ा बल लगा, तो अब हो सकता है बाबा जी कुछ बताएं। बाबा जी कुछ नहीं बताए, फिर तेजी से उनको झटक देता है, जब जान जाता है मर जाऊंगा। तो बाबा जी दूर गिरते हैं पानी में और खड़ा होता है, उनको गाली देता है, कहता है मैं आपसे पूछने आया था मुझे नौकरी कैसे मिलेगी और आप मुझे मार रहे थे। क्या बेटा मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सर कैसे? क्या कहें कि जब मैंने आपकी गर्दन पानी पहली बार डाली थी तो आपने क्यों नहीं कहा मुझे लगा आप अभी बताएंगे। कहा उसके बाद? कहा मुझे अभी बताएंगे। कहता फिर मुझे झटके क्यों? कहा जब मैं जान गया मैं मर जाऊंगा तो मैंने पूरी बल लगाई। कहना अच्छा बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? क्या यही शिक्षा मिला कि जिस दिन हम फॉर्म बिलअप करते हैं उस दिन से पढ़ना नहीं शुरू करते, सोचते आप पढ़ लें दो दिन बाद पढ़ेंगे चार दिन बाद, प्रेस पत्र डाउनलोड हो जाता है तब नहीं पढ़ते। पढ़ते कब है? जब जान जाते हैं मर जाएंगे मेरा कुछ नहीं होगा, परीक्षा की रात पूरी रात जग कर पढ़ते हैं, इसलिए हम नौकरी से वंचित रह जाते हैं। हमको तब पढ़ना होगा, सफलता तब होगी। जैसे ही गर्दन पानी में डाला तैसे आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे मर जाना है, इसलिए मुझे पहले बाबा जी को क्या करना ढकेल देना है। तो आप, मैं वही आपको बस समझाना चाह रहा था कि आप पानी में पूरी तरह से तड़पने तक इंतजार ना करें, अभी से आप तैयारी करिए, आप अभी से अपना एम अपना टारगेट बना लीजिए, आपको भविष्य का भावी अध्यापक बनना है। और कहीं भी पढ़िए, जरूरी नहीं मेरे साथ जुड़कर पढ़िए, स्वयं पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन आप अपना बेहतर दीजिए, क्योंकि आप और अपने माँ बाप की सबकी उम्मीदें हैं। सबको ये लग रहा है कि लड़का बीएड बीटीसी जो भी कर रहा है एक अध्यापक बनेगा, और साथ ही साथ आप भी इस उम्मीद से पढ़ रहे हैं, सुबह शाम तक क्लासेज अटेंड करना फिर घर आना, ताकि आप एक भविष्य के बेहतर अध्यापक बन सकें। लेकिन ये सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक आप अपनी जिंदगी का बेहतर नहीं देंगे। सबसे बढ़िया ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कर लीजिए, घर से निकले एयरफोन कान में डालिए क्लासेज शुरू, क्लास में बैठे हैं आज क्लास नहीं चलिए स्टार्ट करिए क्लासेज आपकी शुरू। तो आप कहीं भी बैठे रात को ईयरफोन लगाया वीडियो चालू किया क्लासेज प्रारंभ, मतलब कहीं भी बैठे, कहीं जा रहे शादी में जा रहे हैं गाड़ी बैठे हैं क्लिक किया, जितने देर में बारात पहुंचे उतने देर में पता चला गणित खत्म, आज का आते समय संस्कृत खत्म, सुबह घर से कोचिंग से घर से स्कूल के लिए निकले 20 मिनट का रास्ता है पर्यावरण खत्म। तो कहीं न कहीं आप सफर करते समय बैठते समय उठते समय हमेशा आप पढ़ सकते हैं, पता चला गणित की वीडियो आपको समझ में नहीं है आप दोबारा देख सकते हैं, अगर एक बार क्लास आपकी मिस हो जाए आप दोबारा नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको पुनः यह कहूंगा, यदि आपको लगता है कि इलर्निंग विद दुर्गेश पे आपको बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकता है, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपना आपके पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप सफल होकर जाते हैं उस दिन बगल के माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुम भी उसकी तरह पढ़ो और अध्यापक बनोगे, वो लोग भी बड़े गर्व से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप असफल होते हैं, हम असफल होते हैं तो कहते हैं फलाना लड़का को देख लो वास्तव कुछ नहीं किया तुम्हारा बाकी है, ऐसा मैंने सुना है अपने लिए। इसलिए मैं इस पीड़ा को समझता हूँ, आप कहीं भी पढ़िए जैसे भी पढ़िए लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर दीजिए। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, आप जितने आपके पास बहुत सारे ग्रुप होंगे इन सभी ग्रुपों तक पहुँचाइएगा, ताकि उन सभी तक ये मेरी बातें पहुँच सके, जो मेरी सोच है उन सभी तक पहुँच सके। मैं जौनपुर में हूँ, जौनपुर से क्लासे ले रहा हूँ, और मेरा ये छोटी सी सोच है छोटी सी पहल है, यहाँ तक कि मैन शुक्ला और रज्जत जी के कहने पे मैं आपके यहाँ डिलेट की बैच शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, ताकि वो फ्री में घर बैठे उनकी सेमेस्टर की पढ़ाई भी हो सके, सेमेस्टर भी बैक ना ले पाए। मैं इसलिए कोमल जगदीप पांडे ने भी कहा कि थोड़ा सी गणित की समस्या लोग आ रही है, और जो छात्रा प्रमुख है प्रदेश की वो बार बार कह रही थी, मैंने कहा ठीक है मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, उन लोग कहने भी वो लोग आपके इतना बेहतर सोचते हैं, मैं भी जल्दी आपके सेमेस्टर की कक्षाएँ शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको सेमेस्टर में भी समस्या ना आए,
और आप अंतिम रूप से अध्यापक बनने का जो सपना सोचो है वो अंतिम रूप से चयनित हो जाए। इसलिए यदि आपको लगता है कि मैं बेहतर बता रहा हूँ या जो मेरी सोच है वो बेहतर है तो आप लोगों को जरूर शेयर करिएगा। और रही बात, मैं डिजिटल क्लास तो लगवा लूँ, डिजिटल बोर्ड तो हो गया, लेकिन ये कमरा जो डिजिटल नहीं है वो गरीबी रेखा का सीधा सीधा आपको परिचय कराता हूँ। अभी मैं आपको अपने कमरे से परिचय कराता हूँ, आपको भी हंसी आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर के पास बहुत सारा पैसा आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में दुर्गेश सर के साथ जुड़कर मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसे कैसे पढ़ रहे भी दिखाएंगे। तब इस समय दोपहरिया है, कड़ी दोपहरिया और धूप लग रही है और ये टीन तप रहा है और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन आप नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है? नंबर है 6306344367। इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, आपको पूरा समझा दे रहे हैं कैसे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सारी क्लासेस शुरू होने जा रही है। ताकि आपको पता ही है कि हम आपको डीएलएड भी शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है ताकि आप अंतिम रूप से जल्दी जल्दी चयनित हो जाएँ। और हम उम्मीद है चयनित हो जाएंगे। 6306344367 यहाँ पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी आप चाहते हैं एडमिशन संबंधित, आपको क्या जानकारी मिल जाएगी। नोट्स पूरी तरह प्रॉपर वे में तैयार है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी उपलब्ध है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाह रहे थे वो ये है कि आप फेसबुक पे इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पे इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर पे इलेनी विद दुर्गेश, टेलीग्राम पे जहाँ पे आपको नोट्स प्रॉपर रूप में मिलेंगे इलेनी विद दुर्गेश या दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एन अकेडमी पे भी इलेनी विद दुर्गेश मेरा रेफरल कोड है। एन अकेडमी में भी मैं सीटेट के लिए मैथमेटिक्स और ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे अगर मेरा रेफरल कोड इलेनी विद दुर्गेश यूज करते हैं तो किसी की भी कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जा रहा है, नो डाउट आप इलेनी विद दुर्गेश ज्वाइन करके अनअकेडमी पे किसी भी एजुकेटर को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ भी मेरी क्लासेस लगेंगी, वहाँ पे भी आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे और सबसे कम कॉस्ट पे। तो आप अनअकेडमी भी हमें फॉलो कर सकते हैं इलेनी विद दुर्गेश बिना स्पेस दिए इलेनी विद दुर्गेश, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक भी मिल जाएगा और सारे कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। और बहुत सारे से लोग हैं जो अनअकेडमी पढ़ रहे होंगे, अनअकेडमी में फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे तो यहाँ पे भी है ज्योति मैम, हम अमित सर, सुनील सर, एक ऐसी टीम है जो शायद प्रदेश में किसी एक संस्था के पास इतनी बेहतर फैकल्टी एक ही जगह स्थित हो। तो बस आप आगे, शायद बहुत लंबा मैंने बोल दिया, बस एक बार मैं पुनः करना चाह रहा हूँ, यदि मेरी किसी बात से आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का ठेस लगा होगा मैं शायद क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर दीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। कि सफलता का जो पैमाना है एक दिन की उपज नहीं होती, वह कड़ी मेहनत और परिश्रम का एक प्रतिफल होता है। मैं ये चाहूँगा आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर दे, आप लगातार पढ़ते रहें, और पढ़ना ही आपकी ज़िंदगी का सबसे एक अहम मकसद है। तब तक पढ़े जब तक आप सफल नहीं हो पाते, और अध्यापक बनने का सपना हमारे साथ जुड़िए, हम आपका सपना जरूर साकार करेंगे। और मेरा सपना ये है जो भी मुझसे जुड़े मैं उन्हें उनके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाऊँ। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का, अच्छा मैंने कहा था रूम दर्शन करें, दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, देख रहे हैं ये पूरी दीवार है, देख लीजिएगा ये पूरी दीवारें हैं और इधर ही पूरी दीवार है, ये एक फ़ैन है जो हमें हवा देने के लिए रखा गया है, और ऊपर देख लीजिएगा हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं, देख रहे हैं ये पूरी टीन है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। बस उद्देश्य ये डिजिटल बोर्ड मैंने लगवा लिया, लेकिन ये रूम है, डिजिटल लाइक तो नहीं है, लेकिन बस इरादे पक्के होने चाहिए, बाकी समस्याएँ सबके साथ होती हैं। तो बस मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर मेरी छत्तर है कि बगल में दीवार प्लास्टर नहीं है, जहाँ मैं खड़ा हूँ धूप से तप रहा है, पंखा चल रहा है जिससे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। बस मुझे यही जुनून है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का आपके लिए बेहतर करना है। बस आप भी इसी के साथ मेहनत करिए, अपने आप से अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अपनी ज़िंदगी का बेहतर दीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग को मेरी बातें बकवास लगी हो, नो डाउट, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, बहुत सारे लाइक करेंगे, बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले होंगे जिनको शायद मेरा बोलना उनको पसंद नहीं, तो लाइक भी करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखेंगे, ऐसे कमेंट लिखेंगे जिनके माँ बाप देख के शर्मा जाए, तो ऐसे वो लिखेंगे भी, लेकिन फिर लोग कहते हैं ना, लोग कहेंगे कि लोगों का हमें कहना है, हमें सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, उनका काम है सोचने का, ये मेरा काम है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर दीजिए, मुझसे जो होगा मैं आपके लिए जरूर करूँगा। बस यहाँ पे आप सीटेट, यहाँ पे नोटबुक उपलब्ध है, अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की अन्य आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सुपरटेट, हमारा उद्देश्य यह है कि आपको मंत्री रूप से चयनित करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लिंक को अन्य सभी साथियों तक भेज दीजिएगा, ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुँच जाए, और
जो शायद ऐसे हो जिनको मेरी जरूरत हो, सकता है आपको मेरी जरूरत हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हो जिनको मेरी जरूरत हो, ठीक मैं तब तक पढ़ाऊंगा एक ही फीस में जब तक अंतिम रूप से चयनित ना हो जाए। ठीक इतना मैं पढ़ा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा कि आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या होगा। इतनी बार हम लोग सिद्धांत को पढ़ लेंगे, सिद्धांत रट जाएगा और जहाँ रटा वहाँ आप सफल हो जाए। तो एक अध्यापक का सपना साकार करना तिलनी मित्र के साथ जुड़ेगा, शेयर करिएगा और लोगों को परिचित करिएगा। जल्दी आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पे यहाँ पे सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।